अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का खैर मकदम है मेरे चैनल पर। आज मैं बना रही हूँ KFC लेग पीस, यानी ड्रमस्टिक्स भी बोलते हैं इसको। ये है 4 लेग पीस, ये 500 ग्राम है। देखिए इसको हम लोग अभी कट्स मारेंगे, ऐसे हल्के से मारिए। ये चारों को भी लगाएंगे हम लोग। देखिए ऐसे कट्स मार लिए हैं मैंने चारों को, आप भी ऐसे लगा लीजिए। इसे होगा ये कि मसाला अंदर तक जाएगा और हमारा चिकन अच्छे से फ्राई होगा, अंदर कच्चा नहीं रहेगा। अभी हम लोग लेंगे 2 कप के करीब पानी, ऐसे चिकन में डाल दीजिए। सारा चिकन पानी में डूबना है। इसके बाद हम लोग डालेंगे 2 स्पून विनेगर, ये इसलिए है कि चिकन में हमारी जो भी गलाजत रहेगी, गंदगी रहेगी, ये विनेगर की वजह से ये आ जाएगी बाहर। इसको हम लोग 10 मिनट के लिए भिगो कर रखेंगे। इससे फायदा और एक ये होगा कि हमारा चिकन अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा, अंदर कच्चा नहीं रहेगा जब हम लोग फ्राई करेंगे इसको। ऐसे इसको 10 मिनट तक ऐसे रखें, आप चाहे तो हाफ एन आवर रख सकते हैं। देखिए इसको मैं अब 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ऐसे ही, 10 मिनट के बाद आपको बताऊंगी फिर। देखिए 10 मिनट हो गए हैं और हमारे चिकन का कलर भी चेंज हो गया, इसमें जितना भी डर्ट था सब चीज बाहर आ गए हैं पानी में, पानी का कलर भी चेंज हो गया। देखिए देखिए अब इसको धोकर हम लोग करेंगे मैरिनेट। चलिए अभी चिकन को करेंगे मैरिनेट। नमक 1/2 स्पून, नमक आप अपने हिसाब से ले लीजिए। ब्लैक पेपर 1/2 स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून, ये है मैगी मसाला, ये 1/2 डालेंगे हम लोग, इससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। देखिए ये ऐसे आएगा क्यूब्स के टाइप में, ये 1/2 डालेंगे। 1 स्पून टमाटो केचप, 1 स्पून चिली सॉस, 1 स्पून ग्रीन चिली सॉस, ये हमारे चिकन को स्पाइसी बनाने के लिए ये स्पाइसी यूज कर रही हूँ मैं। 1 स्पून सोया सॉस, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी लेंगे चिकन को मैरिनेट करने के लिए, कोटिंग के लिए मैदा 4 स्पून, कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, 1/2 स्पून नमक, 2 पिंच हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून पेपरिका पाउडर, अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो लाल मिर्च ले लीजिए, 1/2 स्पून गार्लिक पाउडर। अभी इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हो गया है मिक्स। अभी ऑयल मैंने रख दिया है मीडियम फ्लेम पर, इसको गर्म होने के लिए। तब तक हम लोग चिकन को कोटिंग करेंगे हमारे। देखिए इसको 1/2 घंटा हो गया है, अच्छा मैरिनेट हो गया है। अभी इसको उसमें डिप करेंगे, इसे कोट करेंगे अच्छे से ऐसे। एक्स्ट्रा जो भी है उसको चटक देंगे, ऐसे निकाल देंगे। यह है थोड़ा सा गुनगुना पानी, इसको मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया है, बिल्कुल गुनगुना है ये। अभी इसको इसमें डिप करेंगे 1 मिनट के लिए। निकाल देंगे ऐसे, फिर से इसको कोट करेंगे इसमें। अच्छे से कोट कर लें इसको, तभी ये क्रिस्पी बनेगा।
अभी इसको करेंगे फ्राई। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, देखिए इसको डाल देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। देखिए एक साइड होने के लिए रुक जाएंगे हम लोग। अभी इसको टर्न करेंगे, वन साइड हो गया है, देखिए दूसरे साइड पर इसको भी अच्छे से होने देंगे हम लोग। अभी दूसरा लेग पीस लेंगे, इसको भी सेम ऐसे सुधा लेंगे पानी में। अभी निकाल लेंगे, इसमें डिप करेंगे, इसको भी कोट कर लेंगे अच्छे से। अभी इसको ऑयल में डालेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे हम लोग मीडियम फ्लेम पर। अभी ये हो गए हैं देखिए फ्राई, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अभी मैं आपको डिश आउट कर बताऊंगी। ये हो गया है, आपको डिश आउट करेंगे। आपको डिश पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नई डिश या नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।